किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, यानी कि उनके खेत जो सूखे पड़े थे और जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो आसमान की ओर ताक रहे थे कि कब बारिश हो, कब बादल आए, ठीक है। और उनके चेहरे पर उदासी थी। उदास इसलिए थे क्योंकि उनके खेत जो थे, जो उनके बाग थे, वो सूखे जा रहे थे। अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे, निराश मतलब उदास थे। ये सब देखकर बूंद का जो सारा उत्साह था, वह यानी कि उत्साह मतलब जोश, वह ठंडा पड़ गया, क्योंकि किसान दुखी थे और बूंद जो थी यानी कि उनके खेतों को देखना चाहती थी, उनके बागों को देखना चाहती थी, और बागों का यानी कि खेतों का जो मालिक था वह निराश था, तो बूंद भी निराश हो गई। उसका मन दुख से पिघल गया, यानी कि वह भी दुखी हो गई, वह धरती पर आ गिरी। और यह सब देखकर कि किसान दुखी है, वह धरती पर आ गिरी, मतलब कि वह बूंद के रूप में उनके खेतों में बारिश बन के गिर गई। कि क्या होता है, बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। कहां पहुंची, जड़ तक, यानी कि जो पौधे होते हैं हमारे, वे जो अपना खाना है यानी कि पानी है, जो लवण है, खनिज है, वो कहां से प्राप्त करते हैं, जड़ों से, ठीक है। जब बारिश की जो बूंद थी वो जमीन पे गिरी, जमीन से वह धरती के नीचे गई और नीचे से जड़ों ने उसको ले लिया। और फिर क्या होता है, पेड़ के तने ने, जो पेड़ का तना था, उसने उसे ऊपर खींच लिया, यानी कि जड़ों से बूंद कहां पर आ गई, तने में, और तने से उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे हुए थे। यानी कि जड़ से वह तने में आई और तने से टहनियों के द्वारा वह उस फल तक पहुंच गई जिसमें रस नहीं था। किसान बागों में आया तो उसने रसीले आमों को देखकर, यानी कि जो बूंद थी वह धरती में गई, धरती से जड़, जड़ से तने, तने से टहनी, टहनी से फल, और वह जैसे ही उन फलों को बूंद का पानी मिला तभी वह रसीले शुरू हो गए, रसीले होना शुरू हो गए। उनको देखकर उसका मन झूम उठा और जो किसान दुखी था वह खुशी से झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा, मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। हाथों हाथ बिक गए मतलब जल्दी जल्दी वे बिक गए। जैसे ही उसने देखा कि फल हमारे पक चुके हैं, मीठे हो गए हैं, रसीले हो गए हैं, उन्होंने उसको तोड़ा, एक टोकरे में भरकर वह बाजार में ले गया और वहां जाकर उन्होंने वह आम जल्दी से जल्दी बेच दिए, ठीक है। जानते हैं उस बूंद का क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, आप बूंद कहां गई। हाँ, बूंद जो थी, जो रसीले आम तुम चूस रहे हो उसी में वह बूंद छिपी है। अब गर्मियों के मौसम में आप आम तो खा रहे होंगे, है ना, तो जो आम पके हुए हैं वह किस कारण पके हैं, उसी बूंद के कारण, ठीक है। तो आज का ये हमारा हिंदी का पाठ है जो इटलाती बूंद, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका जो सरल अर्थों में जो हमने समझाया है इसको, कहानी को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो ठीक है, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और जल्द ही आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।